व्हाट्सअप भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज हम जो है डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 का, जहाँ पे हमने एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 बीटा को है यहाँ पे अपडेट किया है। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि इन फोन्स में क्या आपको प्रॉब्लम जा रही है, या फिर इसमें क्या चीज़ें वर्क कर रही है और क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस एंड्रॉयड 10 बीटा को अपडेट करने के लिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, ये वीडियो आप जो है इन तक देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो है बताऊंगा कि इन फोन्स में जो है क्या नया मिल रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम दे सकती है। क्योंकि ये जो है बीटा है और बीटा इतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए आपको पहले देख लेना ज़रूरी है ताकि आप जो है आगे जाके पछताए नहीं। क्योंकि बहुत सौ के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है जो आगे मैं आप सबके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो ये है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1, जहाँ पर एंड्रॉयड 10 बीटा आपको मिलता है और मैक्स प्रो M2 में भी आपको जो है बीटा देखने को मिल जाता है। तो सेम इंटरफेस आपको जो है दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की, और दोनों ही फ़ोन में परफेक्टली यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। तो ये है मैक्स प्रो M1, देख सकते हो आप यहाँ पे वन टैप में ये जो है अनलॉक हो जाता है। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। और ये है मैक्स प्रो M2, तो दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे से जो है फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। रही मैक्स प्रो M1 की बात, आप में से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे कि इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको अपडेट किया तो मेरे फ़ोन में जो है फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा था, और मेरा फ़ोन जो है यहाँ पर रैंडमली रिबूट हो रहा था। और फिर मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन को रीसेट किया एक मरतबा, उसके बाद मेरा फ़ोन परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक दोनों ही परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाने वाली आपको, अगर आप जो है इस अपडेट को करना चाहते हैं। और पर ध्यान रहे, आपको ये बीटा है तो बग्स तो आपको यहाँ पे मिलना ही है। अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के कॉल क्वालिटी की बात, तो भाई मुझे यहाँ पे जो है कॉल क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई है। और रही यहाँ पे वोल्टी की बात, तो वोल्टी दोनों में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ड्यूअल वोल्टी वर्क कर रहा है। और रही यहाँ पे मेन स्पीकर की बात, तो भाई मुझे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में जो है थोड़ा सा यहाँ पे लाउडनेस कम लगा है, जबकि मैक्स प्रो M1 का मुझे जैसा था वैसे ही यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। तो साउंड के मामले में मैक्स प्रो M2 डाउन लगता है जब आप जो है बीटा को यहाँ पे इसमें अपडेट करते हैं एंड्रॉयड 10 वाले को। उसके बाद यहाँ पे रही पबजी की बात, तो पबजी में ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे ये बीटा है, इस वजह से आपको लैग देखने को मिलेगा, इतना स्टेबल आपको ये नहीं मिलेगा। जब इसका एक दो अपडेट आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा ऐप की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको सेम कैमरा ऐप मिलता है। तो चलिए चलते हैं इसके कैमरा ऐप में। तो जब मैंने इसको अपडेट किया, तो इसको यूज़ किया मैंने, तो मैंने जब देखा यहाँ पे कैमरे में, तो कैमरे में यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता। बस यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो है सेम कैमरा ऐप आपको मिलता है और दोनों में आपको जो है सेम फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार जो है यहाँ पे कुछ आपको नया देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा बहुत बेटर लगेगा इस कैमरा ऐप में। क्योंकि जो पहला कैमरा ऐप था यहाँ पे, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मुझे ठीक नहीं लगता था। मैं पहले से आपको कह रहा था कि कैमरा ऐप में जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कैमरा ऐप वर्क कर रहा है अच्छे से, कोई भी यहाँ पे क्रैश वगैरह नहीं है, अच्छे से आप जो फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही आपको बहुत जल्द मैं जो एक नया GCam देने वाला हूँ, जो काफ़ी अच्छे से इसमें जो है वर्क कर रहा है, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी जो है इंस्टॉल है। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे मेन टॉपिक की, वो है इसकी बैटरी लाइफ और यहाँ पे कितना चार्जिंग टाइम जो है ये ले रहा है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 खासकर, क्योंकि इसमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही थी। तो भाई यहाँ पे लगभग आपको 3 घंटे लग जाएंगे फ़ोन को चार्ज होने में, और बैटरी का स्क्रीन टाइम आपको निकल के आएगा 6.5 से 7 घंटे का। तो जो बंदे यहाँ पे हैवी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा कम या ज़्यादा देखने को मिल जाए। अगर आप नॉर्मल इसको यूज़ करते हैं तो 7 घंटे तक आपको ये बड़े आराम से यहाँ पे बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा। और रही मैक्स प्रो M2 की बात, तो उसमें भी आपको जो है इतना ही टाइम मिलता है। क्योंकि उसके बाद बात करते हैं इसके सिस्टम UI की, तो एंड्रॉयड 10 है तो बिल्कुल आपको स्टॉक का ही लुक ये जो है प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इसके आइकॉन में, अदरवाइज़ फ़ोन यहाँ पे रैंडमली रिबूट नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको अपडेट किया था उस टाइम यहाँ पे रैंडमली रिबूट हो रहा था, अब जो है यहाँ पे मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में जब अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये फ़ोन जो है यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई ऐसा बहुत सौ के साथ में हुआ है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है यहाँ पे बूट लोडर इसका जो था अनलॉक था, इस वजह से मैंने जो यहाँ पे ऑफिशियल OTA फाइल वाली जो है अपग्रेड नहीं की, और मैंने जो TWRP वाली फ़ाइल होती है वही यहाँ पे मैंने जो है फ्लैश किया था, तो इसलिए मेरे फ़ोन का डेटा यहाँ पे जो है इरेज नहीं हुआ।
और अगर आप जो है आपके फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 को, तो आपको आपका डेटा यहाँ पे जो है कंपलसरी बैकअप लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई आपका डेटा जो है यहाँ पे पूरा इरेज हो जाएगा, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रहे इसी के साथ यहाँ पे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल OTA जो OTA तो नहीं कहेंगे यहाँ पे जो ऑफिशियल ज़िप फाइल है उसी से मैंने जो इसको अपडेट किया, तो यहाँ पे कोई भी मेरा डेटा जो है यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। अब बात आती है यहाँ पे इसके लॉन्चर या फिर यूज़र इंटरफेस की, क्या हम जो है इसको बीटा को डेली यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे लैग्स देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कोई रैंडमली रीबूट होता है तो वो नॉर्मल कहाँ जाएगा इस बीटा के लिए। तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 9 से काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 10 बीटा में, चाहे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 हो या फिर मैक्स प्रो M2 हो। रही बात यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की, तो यहाँ पे डिवाइसेस नॉट सर्टिफाइड जो है बहुत सो के साथ में दिखा रहा है, लेकिन मेरे दोनों ही डिवाइस में आपको जो है डिवाइसेस सर्टिफाइड जो है देखने को मिल जाएगा, जबकि मेरे फ़ोन का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है और एक का यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में ही आपको डिवाइसेस सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब रही मेरे फाइनल वर्ड्स के, क्या अभी आप जो इसको अपडेट कर सकते हैं? तो गाइस ये देखिए, आप एक बीटा है तो बीटा में आपको कुछ बग्स देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज़ अगर आप कुछ नया इंटरफेस देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जो एंड्रॉयड ओरियो में है या फिर एंड्रॉयड 9 में है और आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कुछ नई अपडेट्स का इनके, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी जल्दबाजी करोगे या फिर आप जो है नहीं रुकना चाहते हैं उस ओल्ड वर्जन में, तो मोस्ट वेलकम, आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़े से बग्स वो तो जो है आपको देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बीटा है और बीटा स्टेबल नहीं होता है। तो ये था इस फ़ोन का एंड्रॉयड 10 का छोटा सा क्विक रिव्यू जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया इन दोनों ही फ़ोन को लेके। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं जैसे पबजी वगैरह यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, अच्छे से यहाँ पे चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, तो वो ज़रूर मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि मैं जो कुछ यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आने वाला हूँ ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 की एंड्रॉयड 10 के साथ में। दोनों का ही आपको फिंगरप्रिंट अच्छे से मिल जाएगा, कैमरा ऐप भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको 6 से 7 घंटे का मिल जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे चार्जिंग टाइम आपको 2.5 से 3 घंटे का जो है देखने को मिल जाएगा इसके ओरिजिनल चार्जर से। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 के साथ जो है एंड्रॉयड 10 बीटा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर आपके कोई राय या सुझाव हो तो वो भी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।